हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकोज वॉरियर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है हमारे माइक्रोबायोलॉजी का। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक को समझते हैं कि ग्राम स्टेन होता क्या है। ग्राम स्टेन को हम लोग डिफरेंशियल स्टेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह ऑर्गेनिज्म को, जहां पे हम लोग ग्राम स्टेन को यूज कर रहे हैं, उसको यह दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। एक तो वो कैटेगरी होती है जो ग्राम स्टेनिंग को शो करती है, जो पॉजिटिव इसको शो करती है उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो इसको नहीं शो करती है ग्राम स्टेनिंग को, उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। अब पता कैसे चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव शो कर रहा है और कौन सा ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव शो नहीं कर रहा है? तो यह कलर के बिहाफ पर होता है। अगर ऑर्गेनिज्म ग्राम स्टेन के यूज के बाद पर्पल कलर का दिखाई देता है या वायलेट कलर का दिखाई देता है, तो हम बोलते हैं कि यह ग्राम पॉजिटिव है। अगर पिंक कलर का दिखाई देता है, तब हम लोग बोलते हैं यह ग्राम नेगेटिव है। पर्पल है तो पॉजिटिव है, पिंक है तो निगेटिव है। याद कैसे करेंगे इसको? बहुत ही कंफ्यूजन होता है इसमें बहुत बच्चों को। याद सिंपली आपको ऐसे करना है कि निगेटिव में भी एन आता है, हमारे निगेटिव में भी एन आता है और हमारे पिंक में भी एन आता है। तो निगेटिव में होगा पिंक और हमारा पर्पल तो पॉजिटिव था ही, तो निगेटिव से एन आता है, एन किस में है? पिंक में है। या पिंक में एन है तो एन किस क्या होगा? निगेटिव होगा। आप सिंपली इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं प्रोसीजर के बारे में, इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। उसके पहले एक वर्ड फिक्सेशन को समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उसमें थोड़ा बहुत हमेशा चेंज होते रहता है, जो कि एक हमारे ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनिज्म को एक फिक्स और प्रिजर्व कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? सिंपली हम लोग जो उसके अंदर एंजाइम्स है उनको हम लोग इनएक्टिवेट कर देंगे। तो फिक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द प्रिजर्व्ड एंड फिक्स्ड। और कैसे होता है? इट इनएक्टिवेट्स द एंजाइम दैट माइट डिसरप्ट द सेल मॉर्फोलॉजी एंड सेल स्ट्रक्चर सो दैट दे डोंट चेंज ड्यूरिंग द स्टेनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। यह बेसिक हमारा प्रोसीजर हुआ। अब हम लोग एक एक स्टेप को समझेंगे, लेकिन उसके पहले जैसे आपको लैब में परफॉर्म करना है, तो आपको कौन कौन सा स्टेन या किस प्रोसेस में आपको काम करना है, उसको सिंपल से ट्रिक से याद कर लेते हैं। उसके बाद आपको एक एक स्टेप का मतलब क्यों कर रहे हैं, क्यों इसको यूज कर रहे हैं, वो हम लोग समझेंगे। अब हम लोग समझते हैं एक एक स्टेप को कि कैसे आपको ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करनी है आपके लैब में। एक ट्रिक से आपको पूरा प्रोसेस याद हो जाएगा। आपका ट्रिक क्या है? वाया सफारी कार। आपने सुना होगा रेलवे स्टेशन पर अनाउंस होते हुए यह ट्रेन वाया दिस रूट जा रही है, तो वही वाया सफारी कार। वाया में वी का मतलब होता है वायलेट, वायलेट मतलब क्रिस्टल वायलेट यूज कीजिए या मिथाइल वायलेट यूज कीजिए। आई का मतलब होता है आयोडीन, ए का मतलब होता है एल्कोहल, एल्कोहल में एसीटोन या इथाइल एल्कोहल। देखिए आपको लैब में यह सीक्वेंस से यूज करना है। सबसे पहले वायलेट को यूज करना है, क्रिस्टल वायलेट को यूज करना है, उसके बाद वॉश करना है, वॉश करने के बाद आयोडीन को डालना है, फिर उसके बाद एल्कोहल। ये सब एक लाइन से प्रोसेस है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? आपको यूज करना है सफारी, सफारी मतलब सेफ्रिन का यूज करना है। देखिए आप चाहे तो सेफ्रिन का यूज कीजिए या कार मतलब होता है कार्बोल, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, सेफ्रिन या कार्बोल का यूज कर सकते हैं। यह प्रोसेस हुआ कि आपको लैब में परफॉर्म कैसे करना है, यह आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में आपको यह सेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप वाई वन पूछते हैं आपसे, तो आपको एक स्टैंडर्ड वर्ड का यूज करना पड़ेगा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, वायलेट के हेल्प से, आयोडीन के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एल्कोहल के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेप एग्जामिनर को बताने पड़ेंगे, उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्टेन। इसका मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपको सिंपली हमारा स्मियर लेना है, उसमें आपको क्रिस्टल वायलेट या दूसरे मिथाइल वायलेट उनको आपको पुट करना है। टाइम कितना है? तो टाइम आपको कम से कम यहाँ पर दिया हुआ है जो 1 मिनट तक के लिए वहां पे आपको उसे रखना है। क्या रखना है आपको? क्रिस्टल वायलेट किसके ऊपर? हमारे स्मियर के ऊपर। क्रिस्टल वायलेट यूज कीजिए या जेंटियन वायलेट यूज कीजिए या मिथाइल वायलेट का आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जेंटली आपको स्लाइड को वॉश करना है। फिर क्या करेंगे? देखिए होता क्या है, जो ये प्राइमरी स्टेन है, इसको प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, यह सिंपली क्या करता है, दोनों बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है और वहां पर यह वायलेट कलर देता है। ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम निगेटिव हो, दोनों को यह वायलेट कलर देता है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ग्राम पॉजिटिव ही वायलेट या पर्पल कलर शो करती है, ग्राम निगेटिव तो पिंक शो करती है। उसको समझते हैं होता क्या है। अभी बस इतना समझिए कि प्राइमरी स्टेन जो था हमारा, जो क्रिस्टल वायलेट था,
वह बैक्टीरिया के अंदर गया और उसको वायलेट कलर प्रोवाइड किया। बस प्राइमरी स्टन का इतना ही काम था, कोई भी बैक्टीरिया हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों में यह वायलेट कलर को प्रोवाइड किया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मॉर्डेंट का यूज करते हैं। मॉर्डेंट का मतलब समझिए, सिंपल सा यह है क्या, हम लोग उसको आयोडीन का यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, आयोडीन हमारे बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है और जो हम लोग वायलेट पहले यूज कर चुके हैं उससे बाइंड करता है, जिससे कि जो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा बड़ा बन जाता है कि वो, जिससे कि वो आसानी से बाहर ना निकल पाए, वो सेल से बाहर ना चला आए, इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को यूज करते हैं। पढ़ता हूं एक बार कि ग्राम आयोडीन्स इज ए पोर्ट ओवर द स्लाइड फॉर 1 मिनट, इसका भी टाइम पीरियड 1 मिनट ही है। देन स्लाइड इज रिंस्ड विद द वॉटर, आपको वॉश करना है सिंपली। ग्राम आयोडीन एक्ट एज ए मॉर्डेंट, बाइंड टू द डाइज टू फॉर्म द बिगर डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स। हमारा क्रिस्टलॉइड क्या था, डाई था, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाया, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। सिंपल सा प्रोसेस हुआ मॉर्डेंट। यह भी किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, दोनों के लिए है, पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए भी। तो अभी तक हमारे पास हुआ क्या है प्रोसेस में, कि बैक्टीरिया के अंदर वायलेट गया और आयोडीन गया और वहां पे कॉम्प्लेक्स बन चुका है और दोनों में हमारे वायलेट कलर शो कर रहा है, या दोनों में बोल सकते हैं पर्पल कलर शो कर रहा है। डिफरेंस अब आएगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि कौन ग्राम पॉजिटिव शो करेगा, कौन ग्राम निगेटिव शो करेगा। ग्राम पॉजिटिव का मतलब कौन हमारा पर्पल कलर को शो करेगा या वायलेट कलर को शो करेगा। इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी सेल को अगर ग्राम पॉजिटिव शो करना है या वायलेट कलर का दिखना है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा क्रिस्टल वायलेट उसके अंदर गया है, जब वो अंदर ही रह जाए, अंदर ही रिटेन रह जाए, तभी वह वो कलर शो करेगा। अगर वो बाहर चला आएगा तो कलर नहीं शो करेगा। तो यही समझना है कि कौन अंदर रिटर्न रखता है और कौन रिटर्न नहीं रख पाता है, उसी बिहा पर दोनों में डिफरेंस होगा। तो पहला प्रिंसिपल हम लोग समझते हैं कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है, किसका, ग्राम पॉजिटिव का, जो ग्राम पॉजिटिव का जो साइटोप्लाज्म होता है उसका मीडियम एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू ग्राम निगेटिव। तो इसका मीडियम ज्यादा एसिडिक होता है और हमारा जो क्रिस्टल वायलेट है वह बेसिक होता है। तो एसिडिक बेसिक को ज्यादा टाइम तक रिटर्न करता है एज कम्पेयर टू द बेसिक, बेसिक या एसिडिक एसिडिक, तो मतलब दो डिफरेंट चीजें हैं तो ज्यादा रिटर्न करेंगे एक दूसरे को। तो इसीलिए जो साइटोप्लाज्म है ग्राम पॉजिटिव का वह मोर एसिडिक होता है, तो वह ज्यादा टाइम तक रिटर्न करके रख सकता है क्रिस्टल वायलेट को एज कम्पेयर टू ग्राम निगेटिव। यह एक बेसिक प्रिंसिपल हुआ। दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है इनके सेल वॉल के बिहाफ पर। तो जो ग्राम पॉजिटिव है उसका सेल वॉल थिक पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, हालांकि ग्राम नेगेटिव का जो सेल वॉल है वह थिन पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, जो दोनों सेल के बीच का जो लिंकेज है वह ग्राम पॉजिटिव में स्ट्रांग होता है और ग्राम नेगेटिव में यह वीक होता है। स्ट्रांग लिंकेज की वजह से जो हमारा क्रिस्टल वायलेट है वह बाहर नहीं जा पाता है क्योंकि इसकी परमिबिलिटी कम होती है, लेकिन ग्राम निगेटिव में लिंकेज वीक होता है इसलिए इसकी परमिबिलिटी ज्यादा होती है और यह बाहर चला जाता है। अब आप बोलेंगे कि ग्राम निगेटिव में एक एक्स्ट्रा लेयर भी तो होती है जो कि लिपोपॉलीसेकेराइड की होती है। तो सिंपली आपको बस इतना समझना है, यह केवल नाम की एक्स्ट्रा लेयर है, यह काम नहीं कर पाती है क्योंकि जैसे ही हम लोग एल्कोहल का यूज करेंगे वह ब्रेक हो जाती है और आसानी से परमिबिलिटी यहाँ पे बढ़ी हुई ही रह जाती है। यह कोई इफेक्ट नहीं करता परमिबिलिटी में क्योंकि यह एल्कोहल के यूज की वजह से यह ब्रेक हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि पॉजिटिव वाले पर्पल कलर क्यों शो कर रहे थे, क्योंकि वह उसे रिटेन कर रहे थे दो मैकेनिज्म के थ्रू। पहला है कि एसिडिक साइटोप्लाज्म के थ्रू, दूसरा जो पेप्टाइडोग्लाइकन में लिंकेज है उसके थ्रू यह इसको रिटेन कर पा रहे थे। यह बेसिक प्रिंसिपल है, अभी हम लोग इसके बारे में समझेंगे। अभी हमारा बस हुआ क्या है कॉन्सेप्ट में कि अंदर हमारा कॉम्प्लेक्स बन चुका है, अब हमें एल्कोहल का यूज करना है। एल्कोहल का यूज क्यों करना है, इसीलिए करना है कि यह बाहर चला जाए जो जा सकता है, जिससे कि लिपोपॉलीसेकेराइड ब्रेक हो जाए। तो देखते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप इज ए पोरिंग ड्रॉप ऑफ डीकलराइजर टू स्मियर। एग्जाम्पल डीकलराइजर कौन कौन है, एसीटोन का यूज कर सकते हैं, इथाइल एल्कोहल का यूज कर सकते हैं और एसीटोन एल्कोहल का यूज कर सकते हैं। सबका टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है, आपको बेसिक जो आपके लैब में अवेलेबल हो उसका आप याद करके रखिए कि हमें इतना यूज करना है। वाइवा में आपसे अलग अलग भी पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको तुरंत स्लाइड को वॉश करना है। वॉश कर दिए मतलब हमने एल्कोहल को डाला और वॉश कर दिया। अब क्या हुआ, मतलब जो नहीं शो करेगा ग्राम पॉजिटिव, मतलब उसमें से सेल से ग्राम पॉजिटिव वाली
जो वायलेट हैं वह बाहर चले आएंगे, तो जो पॉजिटिव होगा मतलब जिसके टाइटोग्लाइकन स्ट्रांग होंगे, लिंकेज अच्छी होंगी, उसमें बाहर नहीं आ पाएंगे, उसमें कलर प्रेजेंट होगा, आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे वह पर्पल कलर का दिखाई देगा, लेकिन जो निगेटिव है अभी उसमें कोई भी कलर नहीं आएगा। उसको भी एक कलर प्रोवाइड करने के लिए हम लोग अगला स्टेप करते हैं, उसको समझते हैं। पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पे हम लोग एल्कोहल को डाला हमने और उससे क्या हुआ कि यहाँ पे डीकलराइजेशन हो गया। तो डीकलराइजर रिमूव द प्राइमरी स्टेन फ्रॉम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव परसिस्टेंट रहेगा। इस टाइम पे ग्राम निगेटिव कोई भी कलर शो नहीं करेगा, पिंक भी नहीं शो करेगा। पिंक शो करने के लिए हम लोग एक फर्दर अलग स्टेप करते हैं, उसको देखते हैं, उसको बोलते हैं काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन में आपको सफारी कार का यूज करना पड़ता है, या तो आप सेफ्रिन का यूज कीजिए, सेफ्रिन का, या तो आप लोग कार्बोल का यूज कीजिए, दोनों की से आपको पिंक कलर दिखाई देगा। इसको आपको 30 सेकंड के लिए यहाँ पे पुट करना है। देखिए कई में न्यूट्रल रेड भी देख, हमारा मन है कि हम क्या दिखना चाहते हैं उस हिसाब से काउंटेशन का यूज करते हैं। पर्पल तो दिखाई देगा पॉजिटिव वाला, निगेटिव में हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग अगर सेफ्रिन को यूज करते हैं या कार्बोल फैशन को यूज करते हैं तो पिंक कलर दिखाई देता है, लेकिन अगर उसके जगह पे हम लोग को न्यूट्रल रेड का यूज करते हैं उसको हम लोग यूज कर सकते हैं काउंटर स्टेन के थ्रू, जिसमें हम लोग करते कहाँ पे है तो गोनोकोकाई में हम लोग इसका यूज करते हैं। अभी हम लोग समझेंगे गोनोकोकाई होता क्या है, एक एक हम लोग एग्जाम्पल को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब क्या हुआ, पिंक कलर मतलब हमने सेफ्रिन या कार्बोल को डाला और उसके बाद उसको वॉश कर देंगे, फिर हम लोग ऑयल इमर्सन में इसको देखेंगे, हमें दिखाई देगा पिंक कलर। तो पॉजिटिव होगा दिखाई देगा पर्पल कलर और निगेटिव होगा तो पिंक कलर दिखाई देगा। यह बेसिक सिस्टम हुआ। अब हम लोग एक बार प्रिंसिपल को और अच्छे से रिटन फॉर्म में देख लेते हैं। तो पहला थ्योरी था पीएच थ्योरी, दूसरा सेल वॉल का थ्योरी। पीएच थ्योरी में क्या था, साइटोप्लाज्म ऑफ द ग्राम पॉजिटिव इज मोर एसिडिक कैन रिटेन द बेसिक, बताया मैंने आपको। फिर सेल वॉल में दो थ्योरी आती है, पहले तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में क्या होता है, वहां का जो थिक पेप्टाइडोग्लाइकन है वह टाइटली क्रॉस लिंकेज में प्रेजेंट होता है, जिससे कि परमिबिलिटी बैरियर का वह काम करता है, और जो एल्कोहल है वो भी जो सेल है उनको श्रिंक कर देता है, उसके पोर्स श्रिंक हो जाते हैं जिससे कि वह आसानी से बाहर नहीं आ पाता है हमारा क्रिस्टल वायलेट। लेकिन ग्राम निगेटिव में क्या होता है, सेल वॉल परमिबल ज्यादा होते हैं, उनके लिंकेज भी टाइटली नहीं होती है, और जो एल्कोहल है वो लिपोपॉलीसेक्राइड को भी ब्रेक कर देता है, जिससे कि आसानी से वायलेट हमारा बाहर आ जाता है। यह बेसिक प्रिंसिपल हुआ, ये इरर स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा उसको, बेसिक प्रिंसिपल हुआ। अब हम लोग समझते हैं एग्जांपल्स के बारे में, कौन ग्राम पॉजिटिव शो करता है कौन नहीं शो करता है। सिंपल सा है, जो भी कोकाई बैक्टीरिया है वह ग्राम पॉजिटिव शो करती है, हालांकि कुछ कोकाई निगेटिव भी शो करती है, उसमें से आपके सिलेबस में जो है वह जो निगेटिव ग्राम कोकाई है वह यही 4 है, हालांकि और भी हो सकती है, लेकिन आपको याद कैसे करना है कि सभी कोकाई जो है ग्राम पॉजिटिव है एक्सेप्ट इन चारों के, और भी होती है लेकिन आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना याद कीजिए मोर देन इनफ है। तो कौन सी कोकाई पहले बात पॉजिटिव शो करती है वो याद करना है आपको, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेफिलोकोकस हो गया, एंट्रोकोकस हो गया, यह पॉजिटिव शो करती है। निगेटिव कौन शो करेगी, ये मेनिंगो कोकाई, गोनोकोकाई, वेरोनेला और मोरेक्सेला, इनको याद कैसे करने हैं, सिंपल सा आपको एक ट्रिक याद करना है, मैन गॉट मोर वैली, मोर वैली एक वाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं मोर वैली एक वाइन है, एक इंसान को मिल गया, आदमी को मिल गया, तो मैन गॉट मोर वैली, मैन फॉर मेनिंगो कोकाई, गॉट फॉर गोनो कोकाई, मोर फॉर मोरेक्सेला और वैली फॉर हमें वेलोनेला याद हो जाएगा। यह सिंपल सा एग्जाम्पल हुआ ग्राम पॉजिटिव का। आपसे पूछे कौन सा ग्राम पॉजिटिव शो करता है, बोलना क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, एंट्रोकोकस। देखिए आप दिमाग में बैठना चाहिए कि हर एक कोकाई पॉजिटिव होती है, बोलना तो आपको एग्जांपल ही पड़ेगा, तो क्या बोलना है, स्टेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस और एंट्रोकोकस। सो समझते हैं इसके ग्राम निगेटिव के एग्जांपल्स के बारे में। तो ग्राम निगेटिव में जितने भी बेसिलाई होती हैं ग्राम निगेटिव शो करती हैं, लेकिन मोस्ट कंफ्यूजिंग बेसिलाई है माइकोबैक्टीरियम या क्लॉस्ट्रिडियम, ये लोग ग्राम पॉजिटिव ही शो करती है, इसमें भी आपको याद करना पड़ेगा, एक्सेप्ट मैकडोनल्ड्स, क्या एक्सेप्ट मैकडोनल्ड, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे याद करना है, एम फॉर माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज, ए फॉर एंथ्रेसिस, सी फॉर क्लॉस्ट्रिडियम, डी फॉर डिप्थीरिया कोरिनबैक्टीरियम, एन फॉर नोकार्डिया, ओ से कुछ नहीं है, ए से एक्टिनोमाइकोसिस, एल से लिस्टेरा एंड डी से डिप्थीरॉइड, जो कि कमेंसल है मतलब नॉर्मल हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो मैकडोनल्ड्स आपको याद करनी है, आप स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए। तो ग्राम कोकाई पॉजिटिव था, ग्राम बेसिलाई जो है वह ग्राम निगेटिव था,
यह बेसिक हुआ, ट्रिक आपको यहाँ पे दिया हुआ है कौन से शो नहीं करते हैं। तो ये नीचे दिए हुए नेम यह क्या शो करेंगे, ग्राम निगेटिव नहीं करेंगे, इसका मतलब ग्राम पॉजिटिव को शो करेंगे। यह बेसिक हुआ। अब हम लोग कुछ डायग्राम्स को देखते हैं, कैसे पता करेंगे माइक्रोस्कोपिक व्यू को समझते हैं। तो पहला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, कलर कौन सा है, यह पर्पल कलर का है, यह क्या है, ग्राम पॉजिटिव है और क्लस्टर फॉर्म में है, तो ग्राम पॉजिटिव क्लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट है। दूसरा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यह भी पर्पल कलर है, ग्राम पॉजिटिव है जो कि क्लस्टर फॉर्म में है, तो ग्राम पॉजिटिव क्लस्टर है। नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पे आप देख रहे हैं पर्पल कलर ही है लेकिन एक चैन के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, यह ग्राम पॉजिटिव चैन फॉर्म। ठीक है, अलग 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 एग्जाम्पल्स होते हैं, चैन के अलग एग्जाम्पल, पेयर के अलग एग्जाम्पल, हालांकि आप वेल डिमार्केट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इतना बोलना सही रहेगा ग्राम पॉजिटिव है वो भी चैन फॉर्म में। फिर बात करते हैं, देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये क्या है, पर्पल कलर ही है तो यह भी ग्राम पॉजिटिव है। बेसिलाई क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये रैकेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि किसका होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनेई का होता है, तो आपको याद हो जाएगा ये सिंपली है, इसलिए बेसिलाई है और तो ग्राम पॉजिटिव है। पता है भी आपको था कि जो सही बेसिलाई निगेटिव होती है, लेकिन मैकडोनल्ड्स में जो यहाँ पे सी था क्लॉस्ट्रीडियम वह निगेटिव था, पॉजिटिव था सॉरी, सभी निगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, आपको ये याद रखना है। फिर बात करते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यह पर्पल कलर है, ये भी पॉजिटिव है, चैन के फॉर्म में है, तो ग्राम पॉजिटिव चैन फॉर्म में है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दो है पेयर्ड फॉर्म में है, पर्पल है तो पॉजिटिव भी है, तो ग्राम पॉजिटिव पेयर्ड फॉर्म में है। फिर नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पे आपको सिंपली वही वाला है कि पेयर्ड फॉर्म में है और ग्राम पॉजिटिव है, तो ग्राम पॉजिटिव पेयर्ड फॉर्म। नेक्स्ट डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका कलर पिंक है, पिंक में एन होता है, मतलब ग्राम निगेटिव है, तो यह ग्राम निगेटिव है, सिंपली आपको इतना ही बोलना है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ग्राम निगेटिव है, तो यह बेसिक हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा ग्राम स्टेनिंग के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।